तो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और गाइस अगर आपके फ़ोन के डायलर पैड में इस तरीके से प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव डिसेबल अ रिक्वायर्ड परमिशन, तो इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाता है अगर आपके फ़ोन के डायलर पैड में और आप जो है किसी को भी कॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप सभी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखते रहिए पूरा और एंड तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों इस तरीके से ऊपर की ओर स्लाइड करना है, और यहाँ पे आपको फ़ोन सर्विसेज करके एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले तो आपको इसका स्टोरेज पे जाके इसका डाटा क्लियर कर लेना है। डाटा क्लियर करने के बाद यहाँ पे आपको फोर्स स्टॉप कर लेना है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐप परमिशन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपने फ़ोन का परमिशन दे देना है, और यहाँ पे आपको कॉल लॉग पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको इसका भी परमिशन दे देना है। तो जो भी परमिशन आपको देना है यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन आ रहा है डाटा यूजर्स करके, तो इसको आपको क्लिक करना है और मोबाइल डाटा पे सेलेक्ट करके इसको ओके करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन को एक बार बंद करके उसको ऑन कर लेना है, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।